stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. तो जी आ गए हैं फाइनली खजियार, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है. Give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden. ये धरती मेरी माँ है. टैंक लेके चलता हूँ. हिंदुस्तान मेरी शान, हिंदुस्तान. चलो पठानकोट, वहां से पाकिस्तान का सब पास है ना, चला देंगे बाजू का टुक 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 टुक. दरमियान खान लाहौर का मसूल कुंडा, गद्दे डाले थी पैदाइश. जवाब दो इसे, जवाब दो इसे. You in my arms won't let go. The world around could pass us by. Thunderstorm, a lightning strike. स्वागत है आप सभी का. इस दिन की शुरुआत हुई थी जहां हमने सबसे पहले देखने जाना था डैन कुन पीक, जहां से पूरे डलहौजी का एरियल व्यू दिखाई देता है. लेकिन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क टूरिस्ट के लिए वो उस वक्त बंद था. तो आप जैसे डैन कुंड की तरफ आगे बढ़ेंगे डलहौजी से, तो बीच में आपको डलहौजी पब्लिक स्कूल देखने को मिलेगा. जैसे दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल है, देहरादून में दून पब्लिक स्कूल है, वैसे ही डलहौजी पब्लिक स्कूल है. और भाई यकीन मानो बहुत बड़ा स्कूल है ये. नीचे से आपको दिख जाएगा पूरा मेंटेन इन्होंने पहाड़ को कर रखा है. ये देखिए जो मैंने आपको नीचे रास्ते में भी दिखाया, दोनों तरफ इन्होंने गार्डनिंग कर रखी है. ये तो सबसे पहले मैंने बॉर्डर फिल्म में देखी थी जब सुनील शेट्टी आता है. ये धरती मेरी माँ है. सुनील शेट्टी, ये धरती मेरी माँ है. टैंक लेके चलता हूँ. धरती मेरी माँ है. आगे चलते हैं. एक और भी नहीं आने की, यहाँ जा मेरे ऊपर. ये देखिए पूरा, ये तो असली गाड़ी है मिलिट्री की. और ये देखिए यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के जहाज भी लगा रहे हैं. ये डिफेंस सिस्टम है कोई? ये डिफेंस सिस्टम, ये मिसाइलें हैं भाई साहब. ये असली है, ये डेमो है, ये सब कुछ असली है सर. ये असली है. ओ माय गॉड, अरे ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज पता लगी है. ये डेमो नहीं है, जो ये जेट खड़ा है ये असली जेट है. और ये जो मिसाइल्स हैं ये भी असली मिसाइल्स हैं. हिंदुस्तान, क्या बात है, बहुत बढ़िया. हिंदुस्तान मेरी शान, हिंदुस्तान. चलो पठानकोट, वहां से पाकिस्तान का सब पास है ना, चला देंगे बाजू का टुक 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 टुक. ये वो भी है जो बॉर्डर फिल्म में एक बार चला नहीं जाता, जिसे शॉटगन भगा देता है. मैं गद्दार बोल के तेरे को गोली ना मार दूं तू चला जा. मेरी चिट्ठी आ गई और मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई और मैं जा रहा तेरे घर वास्ते. कुछ बोला वही जो कहता है सुबह का बोला शाम को घर आया तो सब बोला नहीं कहते. चलेंगे लोग कितने आ जाते हैं देखने के लिए सारी चीजें? ये सर दिन में 1000-2000 बंदे डेली. फोटो वोटो खिंचाना कोई मना तो नहीं है ना? कोई मना नहीं, बाहर से आराम से, बाहर से कोई चार्ज वार कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं. ठीक है, इस पे भी बैठ के फोटो खिंचा सकते हैं. ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए. तो आपने देखा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये असली है, इसका कोई भी चीज़ें नकली नहीं है, यानी मॉडल के तो रूप पे नहीं लगाई गई है. ये असली में जीप है जो मिलिट्री में यूज़ हुआ करती थी. आ सकते हैं बच्चों के साथ, एंजॉय कर सकते हैं और ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं. पर टैंक भी वाला कौन सा? जवाब दो इसे. वो तो वो है ना, दरमियान खान लाहौर का मसूल कुंडा, गद्दे डाले थी पैदाइश. जवाब दो इसे, जवाब दो इसे. The rose in a garden, and it shows if I.
इतनी पास से पहली बारी कोई असली जहाज देखा, फाइटर जहाज, वो देखो ये सुबह कब होएगी असली, जल्दी से सुबह हो जाए, सूरज जैकी श्रॉफ बनने बोल ले दिया तो मेरे को, फिर सुबह की पहली किरण कर दे पाकिस्तान पे, हम हमला कर देंगे और ये वाले वो मारेंगे बम के गोले, सुनील शेट्टी वाला करना, लेकिन मैंने एंटी टाइम माइंड दो। ये मिसाइल से आप देख सकते हैं, और यहाँ से इसका जो नाम रखा गया है बीजीज पार्क, ओके BEEJI पार्क, बीजीज पार्क अट्रीब्यूट टू ऑल मदर्स, अरे वाह क्या बात है, वहाँ लिखा हुआ है अट्रीब्यूट टू ऑल मदर्स, वाह। और ये सामने ऊपर टैंक है, पाकिस्तानो पीछे हट जाओ, मेरे पास एंटी टाइम माइंड है, धरती मेरी माँ है, टैंक पीछे लो, टैंक पीछे मत लो, टैंक पीछे, देखिए ये जो टैंक है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये बैटल टैंक T-55 है इसका नाम, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये रशिया का बना हुआ है, ये रशियन है अगर 2012 आपने फिल्म देखी होगी तो पता लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये हाई मोबिलिटी आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल है विद 580 HP इंजन है इसका, और वेट है 37 टन विद अ क्रू ऑफ 4 मेंबर्स, इट हैज अ 105 mm राइफल मेन गन विद डे एंड नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी, यानी दिन और रात में दोनों में लड़ सकता है। इंडियन आर्मी ने इसको, इस टैंक को यूज किया है पाकिस्तान वॉर में। चलिए तो अब यहाँ से जाने का वक्त हो गया है, काफी देर यहाँ पे रहे, एंजॉय किया मैंने और मैंने, और आपको इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दी है, अच्छी टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, आ सकते हैं यहाँ पर, इंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ, फोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं, अच्छी जगह है, तो आइए चलते हैं। तो जी आ गया फाइनली खजियार, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। और बाय द वे अगर स्विट्जरलैंड की बात हो रही तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने स्विट्जरलैंड भी देखा हुआ है, कवर किया हुआ है, और आप मेरे चैनल पे जाके स्विट्जरलैंड की सारी खूबसूरत और दिलकश वादियां और नज़ारे देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर खजियार पर। देखिए जब आप आएंगे खजियार तो आपको ऊपर पार्किंग देखने को मिलेगी, लेकिन आप ऊपर मत लगाना, रोड नीचे आएगा, नीचे बिल्कुल आपको ये नीचे लाएगा और इस तरीके की आपको पार्किंग देखने को मिलेगी। ये जो रोड है, रोड के आप उस तरफ लगाएंगे तो चलान नहीं होगा, और पार्किंग की कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, खाने पीने के लिए भी सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, खाने पीने की भी दिक्कत नहीं है। देखिए देख रहे हो सारी चीज़ें, पार्किंग आगे तक है, बहुत बढ़िया। और जो पहला नज़ारा था ना मेरा, वाकई में भाई स्विट्ज़रलैंड लग रहा है, कुछ हद तक मिल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा स्विट्ज़रलैंड लग रहा है, लेकिन कुछ हद तक ये सारी चीज़ें वादियाँ देख के, पीछे पहाड़ देख के, आसमान का कलर देख के, जो पूरा कॉन्ट्रास्ट ये मैच हो रहा है ना, हल्का हल्का कुछ हद तक स्विट्ज़रलैंड लग रहा है ये वाकई में। और ये देखिए गेट पे ही लिखा हुआ है, तो आइए अंदर चलते हैं, अंदर से मिनी स्विट्ज़रलैंड कहे जाने वाला खजियार को दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, आप भी देखिए भाई ये तो जो दिख रहा है ना, ये वाकई में ही चीज जो है हल्का हल्का कुछ कुछ लग रहा है कि स्विट्ज़रलैंड जैसा है, बढ़िया, बहुत खूबसूरत नज़ारा है भाई, बहुत खूबसूरत नज़ारा, थम्स अप, बहुत बढ़िया। और फैमिली के साथ यहाँ लोग आ रखे हैं, खाना पीना चल रहा है पूरा, और दूर दूर तक आप देखिए प्लेन्स है बिल्कुल,
और पहाड़ अल्टीमेट, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. अरे वहाँ पे एक बोट भी है, चलो चंबा, तो वहाँ भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे वहाँ से। चलिए पहले सबसे पहले वहीं चल देते हैं मिक्की। Give up everything that I आ गया भाई, ये आ गया मेरा चंबा, आ गया चंबा, चंबा आ जाओ मेरे साथ, दिखाएंगे हम तुम्हें खम्बा चंबा। ये बड़ा चंबा पूरे टूर पे चिल्लाया जा रहा था चंबा चंबा, इसकी फोटो खिंचवा देते हैं यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से दुकान ढूंढते ढूंढते एक शॉप मिली है जो देखने में भी काफी ज्यादा मॉडर्न है, हमारी दिल्ली जैसी लग रही है, शहर जैसी दुकान लग रही है। बड़ा परेशान हो गया हूँ, आप लोगों को पता है मैं सिर्फ नॉन वेज ही प्रेफर करता हूँ, वेज खाने में मजा नहीं आता। और इतनी अच्छी जगह हो और वेज खाओ तो वो बात नहीं रहती। तो आगे जितनी भी दुकानें हैं सब आपको वेज मिलेगा और सब बेकार मिलेगा। अब मैं आपको वहां से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, तो ये दुकान का नाम क्या है भाई साहब? बाइट एंड ब्लीज, बाइट एंड ब्लीज नाम की दुकान है। आपने यहाँ पर आना, अगर यहाँ पर किसी को आना हो कैसे आना हो आगे आके बताओ। अगर यहाँ पे किसी को आना हो तो भैया कैसे आ सकते हैं ये बताइए। सर नीचे से बिल्कुल ठेके के बगल में यही शॉप, अच्छा, पास दो ढाबे भी है। इसकी सबसे अच्छी लोकेशन यही है कि ठेके के बिल्कुल पास। किसी को भी खजियार में आके पूछो कि ठेका का है, उसके साथ में ही है। बाइट एंड ब्लीज, ठीक है मैं आपको समझा देता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं ना, नीचे इसके बिल्कुल वो है जो मैंने आपको दिखाया था पूरा स्विट्जरलैंड जैसा लैंडस्केप। उसके ऊपर की तरफ आपको चढ़ के आना, काफ़ी ज़्यादा दुकानें यहाँ दिखेंगी। उसके बाद ये बाइट एंड ब्लीज है। ये देखिए जो मैं आपको कैफे बता रहा हूँ उसकी थोड़ी लोकेशन समझा देता हूँ। देखिए तरीके का पूरा व्यू दिखेगा, लैंडस्केप दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, ठीक है। ये रेस्टोरेंट्स कुछ वेज है कुछ नॉन वेज हैं, लेकिन अपने मतलब के नहीं है, जैसे हम दिल्ली वाले हैं। तो यहाँ से आप ये देखिए और सीधा जाएंगे, वो ग्रीन कलर का आपको घर दिख रहा है, उसके वहीं पर ही साथ में ही बहुत सारी दुकानें हैं नॉनवेज की और वो कैफ़े है। तो आपको वर्जिन मोजीतो, मॉकटेल, शेक्स, जो भी पीना है वो आपको वहां पर आसानी से मिल जाएगा। पिज़्ज़ा, बर्गर, चिकन, पॉपकॉर्न, सारी चीज़ें। एक बार और देख लीजिए, ये देखिए ये रही वो सारी दुकानें, और ये देखिए ये पूरा नज़ारा है। तो आराम से अब आप आ सकते हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो सामान आ गया है, उन भाई साहब ने खुद डिलीवर कर दिया, वो बहुत बढ़िया बंदे थे। तो आप वहाँ पर ऑर्डर देके आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस बढ़िया मौसम में, वातावरण में अपना पसंद का खाना मिल जाए और क्या चाहिए। वर्जन मोजी तो है, होए 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 होए, चीज़ी बर्स्ट पिज़्ज़ा है और उसके और साथ चिकन पॉपकॉर्न मैंने पहले अड़प लिए है। कैसा है, बढ़िया? कैसा है भाई, मैंने पहले बैठ के तो ज्यादा अच्छा लग रहा। ऐसी जगह में ऐसा मिल जाए तो भाई यूरोप ही लगता है। ये बताओ अब लग रहा है यूरोप, क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड गया हूँ। हम ले आएंगे आप स्विट्जरलैंड की, बस यही बात अच्छी है कि वहाँ पे खाना पीना बढ़िया मिलता है। अब यहाँ पर ये मिल रहा है तो अब आप कह सकते हो कि ये स्विट्जरलैंड जैसा है, मजा आ गया। हमारा भारत भी कम नहीं है। पिज्जा, चीज बर्स्ट, वर्जन मोजीतो और चिकन पॉपकॉर्न और ऐसी वादियाँ, चीज ही अलग है। अपना भारत महान, दिल्ली जैसा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया टेस्ट है, जरूर मंगाओ जरूर। ये पीछे दुकान है और जो बिल आया है मेरा बिल्कुल दिल्ली वाला है। ये अच्छा। मैंने इतनी सारी चीजें ली है, बिल जो आया है 765 रुपए।
ऐसी जगह पे 765 रुपए में आपको ऐसी चीजें मिल जाए, क्या लोगे भाई? यूरोप में यही चीजें 5,000 की मिलेंगी, मजा आ गया। लेकिन चलो अभी एंजॉय करते हैं, इतना आप देखो यहाँ के ड्रोन शॉट्स। तो भाइयों उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग, आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जो जो चीज़ें आज मैंने आपको दिखाई हैं। उम्मीद करता हूँ ड्रोन शॉट्स देख के आपको खजियार के ज़रूर मज़ा आया होगा, आपका दिल भी बाग बाग हो गया होगा। तो ज़रूर एक बार खजियार आए और मिनी स्विट्ज़रलैंड को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इंडिया में ही, हमारे इंडिया में, बल्कि स्विट्ज़रलैंड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मिनी स्विट्ज़रलैंड भी मत कहिए। तो चलिए आज के व्लॉग की होती है यहीं पर समाप्ति। अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं खजियार से पहुंचा चंबा और चंबा में क्या क्या घूमने वाली जगहें हैं और उसके साथ ही चंबा में मैं कहाँ रुका, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी अगले व्लॉग में। तो पीछे भी लिखा है चलो चंबा, तो अगले व्लॉग में मिलते हैं आपके साथ। तो चलिए फिर चलते हैं चंबा की ओर, और जैसा मैं हर बार कहता हूँ इस बार भी ज़रूर कहूँगा, ये ज़िंदगी एक बार मिलती है इसलिए इसको जियो जी भर के, क्योंकि ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा।